कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे, राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाए, ना वो लोगों का मैंडेट स्वीकार कर पाए, एक के बाद दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए। और ये जो कल के नतीजे तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है।